होली से पहले किसानों को केंद्र सरकार का तोहफा। मोदी सरकार ने बता दिया कब जारी होगी किसान निधि की 13वीं किस्त, लेकिन कुछ किसानों का अटक सकता है पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। किसानों के बैंक अकाउंट में 13वीं किस्त के तौर पर आने वाले 2000 रुपयों को लेकर कुछ दिनों से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त इस तारीख को जारी करेंगे। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन सी वह तारीख है, किन किन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा। मीडिया में केंद्र सरकार के हवाले से छपी खबरों के मुताबिक कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि 27 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के जन्मदिन के मौके पर पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह कर्नाटक के शिवमोगा का दौरा करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 13वीं किस्त के तौर पर 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000 रुपए आएंगे। होली से पहले किसानों के खातों में आने वाला यह पैसा त्योहार को और खुशनुमा बना देगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने दिवाली से पूर्व 12वीं किस्त अक्टूबर 2022 में भेजी थी। अब तक इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों के खाते में 2.70 लाख करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। पीएम सम्मान किसान निधि के तहत सरकार हर साल किसानों के खाते में 6000 रुपये की आर्थिक सहायता भेजती है। कहा जा रहा था कि इस बार पीएम किसान निधि की राशि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट किया है कि अभी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव आया है। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने के लिए जमीन के रिकॉर्ड सत्यापन, पीएम किसान पोर्टल पर ईकेवाईसी पूरा होना चाहिए। इसके अलावा किसान का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, साथ ही साथ खाता एनपीसीआई से भी अटैच होना चाहिए। यदि आपके पास ये पेपर्स नहीं है तो आप किसान सम्मान निधि का फायदा नहीं ले सकते हैं। यही नहीं, यदि आपने केवाईसी नहीं करवाया है तो भी आपको किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिलेगी। तो ये थी किसान सम्मान निधि से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी दे दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।